कुछ बोल लें बोलो, बोलिए बोलिए। ओके या आप सभी का, जैसा कि आप सभी लीडर आए हुए हैं आज के इस जूम वेबिनार में, और इंटरनेशनली जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, जो नेक्स्ट संडे हमारा जो गेस्ट स्पीकर आने वाले थे, आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। करेंट न्यूज, लेटेस्ट न्यूज और एक्साइटेड न्यूज, तीनों एक साथ बोल सकते हैं को लेके, और आज कुछ नए चीज हम लोगों को सीखने का मौका मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा और सुनने का भी मौका मिलेगा। और आशा करते हैं आज आप लोग जो क्वेश्चन फिल आउट किए थे उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दिया जाएगा, और जो भी लोग, जैसे आप लोगों का गूगल शीट दिया गया था, उस गूगल शीट के हिसाब से आप उसका जवाब लेके आया हुआ है। तो हम आपको, अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग नए भी आते हैं, तो जो नए लोग आए हुए हैं मैं उन लोगों को परिचय करा दूं, जो हमारा आज गेस्ट स्पीकर हैं पावेल सादिस्की सर, ये नेटवर्क मतलब पार्टनर प्रोग्राम का प्रमुख है, और इनको बोल सकते हैं को सीईओ ऑफ दिस कंपनी, और इनके ही अंडर से इनके ही मतलब बोल सकते हैं गाइडलाइन में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। किसी भी तरीके का कोई भी ज़रूरत होती है, कहीं भी किसी भी एक्टिविटी पे इनका हर नज़र होता है, तो एक बार हम सभी इनका वेलकम करेंगे, और साथ ही हम वेलकम करेंगे दिमित्री सर का और वृद्धि सर का, जो हमारे लिए ट्रांसलेटर का पार्ट लेके आए हैं, जो रशियन से इटली में ट्रांसलेट करेंगे हमारे दिमित्री सर हैं, और इटालियन से जो हिंदी में आपको सुनाया जाएगा वृद्धि सर के द्वारा सुनाया जाएगा। तो आप लोगों के साथ इटालियन लीडर भी अटैचमेंट हुए हैं और हम सब इंडियन लीडर भी हैं, तो आज आप लोग इसका एकदम पेशेंस सुनिए। और एक नया चीज़ हम आप लोगों के सामने आज अनाउंस करना चाहते हैं, अनाउंस ये करना चाहते हैं, जैसे ये तीन लैंग्वेजेज में आपको वेबिनार किया जा रहा है, हम कोशिश करेंगे जो अगले, जैसे संडे का ये वेबिनार हो गया, संडे के जस्ट एक दिन या दो दिन बाद आपको सेम वेबिनार का हिंदी में पूरा का पूरा जो क्राइटेरिया हो किसी एक लीडर के द्वारा या किसी वीडियो के द्वारा ही, जो इसको जैसे हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये क्लाउड में हमारा रिकॉर्ड हो जा रहा है, तो इसको हम डाउनलोड करके इसको कट करके सिर्फ जो हिंदी आप लोग सुनना चाहें तो वो हिंदी भी हम प्रोवाइड करा देंगे। मैं इसलिए ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने भी आप लोग आए हैं आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है, अंत तक ज़रूर देखिएगा, और ये वीडियो तब मिल जाएगा आपको, ये दो तीन दिन बाद आपको मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। वो हिंदी में हो सकता है नवीन जी लेके आए, हो सकता है शंभू जी लेके आए, हो सकता है अनु जी लेके आए, हो सकता है राजेश नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा एक चेहरा हम नहीं चाहते हैं जो आप लोगों के सामने रहें, कुछ नए चेहरे भी आप लोगों को देखने को मिलना चाहिए। हो सकता है आप वीडियो अगर लेना चाहें तो आपको यूट्यूब पे वीडियो भी उपलब्ध मिलेगा हिंदी के लिए, जो ट्रांसलेट वृद्धि सर के द्वारा किया जाएगा, उसका सिर्फ और सिर्फ उसका। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ये चीज़ के लिए आप जरूर लोग अंगूठा जरूर दिखा दीजिएगा, ताकि हम इसका कर पाएँ। तो वृद्धि सर, स्वागत कीजिए हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं उनका, और जो हमारे लिए एक्साइटेड न्यूज़ जो भी चीज़ें लेके आए हैं वो सारे चीज़ हम लोगों के बीच रखा जाए, और हम लोग इसका इस न्यूज़ को जान के आनंदित हों। धन्यवाद। ग्रासिया, मेरा नाम पावल शास्त्री है, और मैं आज जो नई अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कंपनी सोलमाश है उसके जो हमें सर्टिफिकेट मिला है, जो ग्रीन सिग्नल मिला है, आज उसके बारे में आपको गहराई से बताऊंगा। डॉक्यूमेंट हमें प्राप्त हुए हैं, ये बहुत ही डॉक्यूमेंट महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो हमें जो काम स्टार्ट करने के लिए, और इनके साथ ही एक और डॉक्यूमेंट जो आएगा उसके साथ ही हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। हमें जो दस्तावेज जो हमने हासिल किए हैं, ये डॉक्यूमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ तक कि जो जमीन की एनालिजी से लेकर जो वहाँ पर जो प्लग तक लगेंगे, बिजली के जो अन्य चीजें लगेंगी, उन सब की इसमें एनालिजी करके ही ये डॉक्यूमेंट हमें सारे के सारे हासिल हुए हैं, और ये हमारी जो ग्रुप है उसकी क्वालिटी पर भी यानी कि एक बढ़िया स्टैंप लगती है इन डॉक्यूमेंटों के जरिए से, और बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये डॉक्यूमेंट। और जैसे कि एक पड़ाव से दूसरी पड़ाव में जाने के लिए क्वालिटी आपने अपनी पेश करनी है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए।
डॉक्यूमेंट हमने हासिल किया है। कुछ यानी कि कंपनियों को बहुत बहुत समय लग जाता है और ये डॉक्यूमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो हमें यानी कि इस मार्केट में हमें अपने पहले कदम रखने के लिए ये बहुत ही जरूरी हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं। पार्टनर है उनके लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज है, जो हमारे जो रिस्क है यहाँ पर बहुत ही कम हो जाते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे जो रिस्क है कम हो गए हैं और जो हमारा जो अगला पड़ाव है, जो हमारा अगला स्टेज है, हम उसमें भी जाने के लिए सक्षम है अभी ना। सो तकदा पीरियड है कि हमें कितना जो डिविडेंड है, कितने परसेंट हमें डिविडेंड मिलेगा और ये डिविडेंड कब हमें कब मिलना शुरू होगा, कौन तो सरा निशिया तो दीपक आ रहे दोस्तों, जो चमड़ा होता है रिश्का, जिंदा रिश्का, हम चमड़ा जो है उसको हम बांट नहीं सकते आपस में, जिंदा रिश्का। Però quindi dipende da tanti fattori, questo da vedere dopo. Però di cosa possiamo dire certo che il 50% del profitto sarà distribuito per pagare i dividendi di società. Ok, baki ye sabhi jo alag alag jo sector un pe depend karta hai, par aapko ye batana chahta hai ki jo takriban 50% jo jo dividend company ka hoga wo sabhi partner mein divide kiya jayega. Da? Però l'importo di un dividendo o importo non sappiamo ancora, non possiamo dire. जैसे कि ये एग्जांपल दिए कि हम जो जिंदा रिश्का जो चमड़ा है उसको हम बांट नहीं सकते, यानी कि कहने का मतलब है कि जब तक वो उसका कटेगा नहीं तो तब तो बटेगा नहीं, तो अभी इसका हम जो है अभी पहले ही अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना हमें डिविडेंड एक इंसान को कितना मिल सकता है। यानी कि इन चीज़ों पर हम पहले ही नहीं चर्चा कर सकते हैं, पर जो दमित्री दुजुनोव का यानी कि ये कहना है कि जितना जो भी हम पार्टनर हैं, जो हमने जो सबर किया है, तो हमारे जो यानी कि जो सबर हमने जो किया हुआ है, इसका हमें जल्द ही जो लाभ उठा पाएंगे। सर एम सुस्तेनियो को लेकर तो सरा तो प्रेस तो जूस तो Sì, Paolo dice che Dmitry Duinov diciamo non dimenticherà il sostegno che ho avuto da investitori, che ognuno ha pagato okay. suo diciamo suo parte. Sì, sì, da? Sì, fatto sua parte. Grazie. Grazie. Volevo confermare. Ok. Saval dusra tha kitne aur kitne share hai company ke jo रखे हुए कंपनी ने ना। पावल जी का कहना है कि जो सवाल था हमारा, जो सही ढंग से मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारा एक शेयर यानी कि एक के एक बराबर ही रहेगा, यानी कि एक शेयर बराबर एक शेयर, और इसका जैसे कि ये भी पूछा गया कि इसकी कितनी मार्केट में, अभी हम इसका नहीं कर सकते हैं कि हमारा जो एक शेयर है उसकी कितनी वैल्यू आ सकती है मार्केट में, कितनी हो सकती है, पर आपका जो जो आपने शेयर लिए हुए हैं प्री आईपीओ लिए हुए हैं एक, यानी कि अगर आपके पास 100 है, 100 बराबर 100 के ही है, यहाँ 100 है तो ये भी 100 ही है, ये नहीं कि इधर जाने पर आपके कम पड़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें ना। हमारे जैसे कि पूछा गया शेयरों की कितनी कीमत तो हो सकती है, एक शेयर कितना मार्केट में आ सकता है, कि यह सवाल भी रहा है, अभी इस बात पर फायदा नहीं है बात करने का, क्योंकि जितनी इसकी डिमांड बढ़ेगी, सेल बाय बढ़ेगा होगा, उससे हिसाब से इसकी जो है कीमत है वो भी अलग ही रहेगी, बढ़ेगी, वो आप हम सब खुद भी आइडिया लगा सकते हैं इस बात का ना। अरे बहुत से पार्टनर है उनका सवाल आता है कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे जो शेयर है उनका क्या होगा, यानी कि बिरदी है, भगवान ना करे उसका दिल नहीं लगा तो मेरे को जल्दी बुला लेता है, तो मेरे शेयर कहाँ जाएंगे, क्या होगा उनके बारे में, तो उनके बारे में बताएगा दा। ये जल्दी ही एक दो महीने के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगी आपके बैक ऑफिस में, आप जिसका नॉमिनेट करना चाहें वो कर सकेंगे, और अभी मैनुअल यानी कि आप सपोर्ट के जरिए से जहाँ वहां पर आप अपना नॉमिनेट कर सकते हैं, पर ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगी, वहां पर आप अपना जितने शेयर हैं उनको नॉमिनेट कर सकते हैं, किसको जाने चाहिए या किसको नहीं जाने चाहिए, जी आप इसके हकदार रहेंगे अपनी जो भी है वसीयत करने का दा।
ओके अगला सवाल था कि हमारी जो मोटर है वो जो सोलर की जो प्लेट होती है सोलर सिस्टम के साथ चल सकती है compagnia più grande nel mondo per questa tecnologia solare. Magari spieghi questo dopo. Ok, जैसे कि जो हमारी जो इवेंट बेतना में हुई थी वहां पर मिस्टर आरस्टोव जी के साथ और एनर्जी ग्लोरी के जो कंपनी के डायरेक्टर थे वो भी वहां पर थे जो कि पैनली जो सोलर सिस्टम है उसको यूज करते हैं जैसे कि आपने जो विक्टर आरस्टोफ जी का भी वेबिनार देखा होगा कि हमारे जो उन्होंने एक जो टुक टुक की तरह गाड़ी जो तैयार की है जो लेटर जाने की घरों पर लेकर जाने में इस्तेमाल में आती है वो 70 दिन से ज्यादा वो बिना चार्ज के यानी कि सोलर सिस्टम के जरिए से ही चली है और इसका भी परिणाम हमारे पास है इसका और आपको पिछले वेबिनारों में भी बताया गया है दा? जो इनकी वाइंडिंग है एसएल बैंक का और जो इनका जो सिस्टम है वो हमारा यूज किया जाएगा इनमें सारा जो हमारी टेक्नोलॉजी के जरिए से ही बनेंगे दा? अगला जो सवाल था कि अगर जो मोटर है जो वो बैटरी जो रिचार्जेबल बैटरी को यूज उसमें लिया जाता है और कितना उनकी जो यानि कि बैटरी कितना समय निकालती है दा? ये सारा डिपेंड करता है गाड़ी पर जो वाहन हम जो बनाना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है हम उससे क्या काम लेना चाहते हैं जैसे जैसे कि आपने देखा होगा कि जो गाड़ी है गोल्फ जो खेलते हैं वहां पर जो यूज की जाती है जहां अगर आपके रिक्शा में लगा रहे हैं यानी डिपेंड करता है हम उससे क्या काम ले रहे हैं और उसी पर सारा निर्भर रहता है कि हमें कितना वो यानी कि किलोमीटर या कितना वो चलेगी बैटरी कितना उसका ड्यूरेबल रहेगा उसका दा? जैसे कि बहुत से कारण है अभी जैसे कि हमें ये भी नहीं पता था जो अभी जो हम झेल रहे हैं उसके कारण भी काफी चीजों में जो स्पीड है कम हुई है यानी कि पूरी दुनिया में आपने देखा सब काम में देरी हो रही है और जो 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 20 स्टेज है ये सिर्फ यही नहीं कि हमें फंड आ गया और इसके कारण ही ये 20 स्टेज खत्म करना है उसके साथ साथ जो है कंपनी की पूरी यानी कि उनका जो अन्य काम भी साथ साथ चलने चाहिए ये नहीं कि यहाँ से फंड आ गया और दूसरा काम सारा पड़ा रहे और 20 जो स्टेज है वो बंद कर दिए जाए ये ऐसा नहीं है दोनों चीजों को दोनों पहियों को साथ चलना पड़ेगा कि जैसे कि उन्होंने बताया कि दो गाड़ियां ले लेते हैं जैसे मैंने दो पहियों की आपको एग्जांपल दी उन्होंने दो गाड़ियों का कहना कि दो गाड़ियों को ले लेते हैं जो एक गाड़ी है ठीक है हमारा जो फंडिंग जो जो जितना पार्टनर से हो रहा है वो आगे जा रही है इसीलिए ये थोड़ा जो 13 नंबर है ये रुका पड़ा है क्योंकि ये दूसरी गाड़ी भी है उसको साथ चलना पड़ेगा तो अगर दोनों गाड़ियां साथ चलती हैं तो ये हमारा जो 13 से हम 14 जानने जो भी स्टेजेस हैं उनमें जा पाएंगे पावल जी का ये कहना कि हम मेरे पास जो इसकी अपडेट है कि हम अगले जो स्टेज है वो कब चेंज होने वाली है पर अभी वो जो न्यूज है वो अभी प्राइवेटली पर्सनली रखी हुई है सीक्रेट रखी हुई है और वो मैं अभी आपको नहीं खोल सकता हूँ पर इसका हमें पता है कि अगले हम कब जा रहे हैं 13 से 14 में कब जा रहे हैं Can translate in Hindi, maybe. No. Sure. Okay. Oh my God. Again, tell me. My internet connection is very low. Ah, okay. जैसे कि पावल जी ने बताया है कि बहुत सी जाने की चीजें होती हैं. कई बार जब भी हम जो चेंजिंग का लाते हैं किसी भी चीज में, हमारे बजट और हमारा जो फंड होता है सब चीज में उसकी रीकैलकुलेशन की जाती है ओके और हर चीज की रीकैलकुलेशन करने के बाद हमें दोबारा नया बजट बनाना पड़ता है और उस हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि भाई हमारा बजट कम पड़ रहा है जहां हमें बजट आगे बढ़ाना पड़ेगा तो ये चीजें दोबारा रीकैलकुलेशन होती है हर जो स्टेज के बाद दा? अगला जो सवाल था कि हमारा ज्यादा रहता है कि इंटरनल एक्सचेंज कब आएगी कब खुलेगी वो तो ये भी सवाल बहुत रहता है हमारे पार्टनर का दा दीन
Quindi external exchange quando è finito diciamo i pagamenti delle rate e più quando chiudiamo le rate non è quando non è finito i pagamenti. Pagamenti possono andare avanti, questo lui dice che quando non, l'azienda non venderà più questi rate agli altri, hai capito? Questi perché alcuni hanno 20-40 mesi, possono andare avanti a pagare, però vuol dire una volta prendo una decisione di non vendere più, di fermare la vendita di pacchetti e vendita di pacchetti in rate, questo è importante. ottimo ottimo ok internal exchange ka jo hamara hamesha sawal rehta hai uska bhi hum clear karna chahte hain jo internal exchange mein kya hai ki jab bhi jaise company ne ye soch le ki ab hum apne jo hai package hai wo sale nahi karenge matlab yani ki kehne ka company aaj decide kar leti ki bhai humne ab apna jo hai package ye band kar dene hai sale karne band kar dene hai uske baad mein kya hoga jo hum partner hain wo apna jo sale kar sakenge wo sale karenge aur saath जिस दिन हमने ये डिसाइड कर लिया साथ ही ये हम जो इंटरनल एक्सचेंज है इसको अनाउंस कर देंगे ना जी ने ये कहा कि हम जो हमारा जो प्लानिंग है वो 2020 में है यानी कि जैसे हमने पहले भी कह दिया 2020 में यानी कि उसका ये मतलब नहीं कि 2020 कह दिया तो ये आज ही है यानी कि इसका मतलब ये यानी कि इसमें हम अपना आइडिया और सारा कैलकुलेट करके रखे हुए हैं 2020 में इसको यानी कि होने को कभी भी हो सकती है यानी कि इसका ये नहीं हमने मतलब निकालना था भाई 2020 बोल दिया हम कल से मैसेज करना शुरू कर दें कि एक्सचेंज कब खुल रही है यानी कि इसका मतलब ये नहीं है दा हमारे जो लोग हैं वो उनके लिए क्या ऑफर रहेगी अगर उन्होंने जो मोटर है जो गाड़ियां जो अन्य चीजें यानी कि उनका ये रहता है कि हमें किस रेट पर ये चीजें मिल सकती है दा franchising giusto per i franchising era sì un po' diversi più o meno sì sì hame kya hum partner ke liye kya rehti rahegi yani ki kya facility rahegi hum partners ke liye agar humne ye motor ya any cheeze inki the sale karni hai da यानी कि इस सवाल के जो हमारे मिस्टर विक्टर आरस्टॉफ जी हैं उनके साथ बात की जा सकती है और ये उनके साथ बात की जाती है जो हमारे जो पार्टनर हैं जो हमारे साथ हैं और उनके लिए ये बात सही है कि उनके लिए अलग प्राइस होगा और उनके लिए जो अलग डिस्काउंट भी रहेगा कि अगर उन्होंने किसी भी हमारे पार्टनर ने ये काम शुरू करना है तो उसके लिए यानी कि मार्केट रेट रहेगा उसके लिए जो जो भी प्राइस होंगे मार्केट से अलग रहेंगे ना पाटिल जी का एक सवाल था कि ये 2-3 साल के अंदर अगर $1 में आ जाएगा और कैसे ये $1 में आएगा तो ये उनका सवाल रहा है उसका जवाब देते हैं दा ये कहना है कि ये बात अभी जो हम एक आइडिया लगा सकते हैं अंदाजा लगा सकते हैं कि $1 में जा इसका कितना कीमत हो सकता है ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्या है कंपनी की किस तरह की कंपनी के पास मशीनरी है जब उसका ये बोल सकते हैं कि क्या कंपनी की किस तरह की वैल्यू है क्या फेस वैल्यू है मार्केट में तो उस हिसाब से आइडिया लगाया जा सकता है कि इसका $1 या अन्य कितना तक जा सकती है इसकी कीमत दा? और जून तो एनालिज जो किया है जो हमारा हमारे आइडिया है वो ये है कि जैसे कि अभी कंपनी का आप देख सकते हैं कि इसका अभी मार्केट में इसका बूम है कंपनी का और इस वजह से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कम से कम भी अगर जाएगी $1 में तो हमारी कंपनी रहेगी ये इसका आप अनुमान सभी लगा सकते हैं और ये हमारा आइडिया है जिस तरह कंपनी की आज मार्केट में इनकी चीजों की जरूरत है उस हिसाब से आप भी आइडिया लगा सकते हैं कि $1 में तो जाएगी ही दा माइक्रोफोन जैसे कि हमारा ये सवाल रहा है कि हमें जब फ्रेंचाइजिंग या अन्य चीजें जहाँ इसका जो प्रोडक्शन के लिए काम मोटर बनाने के लिए अभी इन चीजों के लिए बहुत जल्दी है क्योंकि हमारा जब तक जो रिसर्च सेंटर है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है इसके लिए अभी हम बहुत ही ज्यादा जल्द है पर अगर आपने जो रीसेल यानी कि मोटर सेल करनी है उसके लिए आप विक्टर आरस्टॉफ जी के साथ बात कर सकते हैं
मोटर उधर से लेकर हम इस काम पर शुरुआत कर सकते हैं। और अगर हमें जो दोबारा दूसरा यानी कि अगर प्रोडक्शन का काम करना है, पहले हमारा वो जो काम रिसर्च सेंटर है उसको कंप्लीट होते ही इन चीजों के लिए भी हम तैयार रहेंगे। ये हमें एक और सलाह दी जा रही है कि जो सोलर ग्रुप है वो इंडिया में यानी कि जो मोटरें बनाना शुरू करें और अब यहाँ पर यानी कि इनका एक जो भी प्रोडक्शन का काम खोलना चाहिए। और इंडिया जो एक मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत, और इसके लिए तो मैंने भी अंगूठा दिखाया है दा। जैसे कि आपकी जो जो सलाह है बहुत ही खुशी है और आपका हम समर्थन करते हैं इस बात पर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमने यानी कि समय से हम इस बात की बेट में थे कि हमें अगर कोई अच्छा पार्टनर इस पार्टनरशिप के लिए मिलता, पर अभी तक हमारी जो रिसर्च है वो अभी जारी है, पर हम अभी हमने जो अपना फोकस किया हुआ है जो रशिया में हमारा रिसर्च सेंटर है उसको कंप्लीट करना और उसके बाद में इस बात पर भी यानी कि अपनी जो खोज जारी रखना, क्योंकि उसके लिए हमें एक जो पार्टनर चाहिए और जिसका इस जो मोटर बनाने का थोड़ा जिसको जानकारी भी रहे। दा सवाल है वो हमारा इंटरनल एक्सचेंज में कितने का हमारा जो शेयर रहेगा, उसका प्राइस कितना रहेगा? दा अंदर के बोले कंप्रार है क्वेस्टो काजो। ओके, जैसे कि इस सवाल का जवाब ये अभी यानी कि इसके बारे में हम खुलकर खुलासा नहीं कर सकते हैं और ये डिपेंड करेगा मार्केट पर और कब हम इसको बंद करते हैं और कब लॉन्च करते हैं और इसकी डिमांड यानी कि जो खरीद रहा है या जो बेच रहा है इसकी किस तरह की डिमांड मार्केट में रहती है और उस हिसाब से इसका जो भी जो रेट है वो सीमित किया जाएगा। अभी इस बात पर चर्चा करना वो सही नहीं है और सही भी ये बात है कि भाई अगर अभी चर्चा करते हैं कुछ बोल देते हैं अगर उससे कुछ कम रहा तो फिर यानी कि जो आज रेट है उससे अलग ही मिलेगा आपको। दा चार्ट में अभी एक सवाल आया कि कब आप अमेरिका में यानी कि अमेरिका कब खोलेंगे आप अमेरिका में कुंडी कौन द पोस्टन को कंपेयर द अमेरिका रजिस्टर नो सो को सा इंटेंडर जी बेसे जो है क्या दरअसल मिलियनर नो सो किया मिलियनर की है कौन है मिलियनर जी आप अपना जो सवाल है वो थोड़ा खुलकर बताएं कि आप जो ने सवाल किया है कि अमेरिका में यानी किस बात आप ये सवाल किस तरह है आपका। मेरा नमस्कार जी, हम चंद्रभानु प्रताप बोल रहे हैं, मेरा वो जी नाम है और जी मैं अमेरिका के कोलोराडो में हूँ और इस कंपनी में पिछले साल मैं जुड़ा तो इसका जो पेमेंट सिस्टम है मैं वो जानना चाह रहा था क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पार्टनर्स हैं तो आई मीन अभी भी लोगों के अंदर है कि वो जो डिजिटल करेंसी है क्रिप्टो करेंसीज हैं तो उनमें वो लोग नहीं जाना चाहते हैं जी। हम अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं डाल के हम डायरेक्ट अगर अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से परचेसिंग करते हैं और पेमेंट करते हैं तो उसके लिए क्योंकि हमारे जो अमेरिकन पार्टनर्स हैं हम चाह रहा था कि इनको कुछ ऐड करें, ये लोग आना चाह रहे हैं, दे आर एक्साइटेड इन दिस कंपनी, उनका जो प्रोजेक्ट है इसको तो जी सारी चीज को। हाँ तो ये पेमेंट सिस्टम का मैं बोल रहा था कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट का अगर कुछ है आप लोगों के पास तो वो हो तो बहुत अच्छा होता। ओके, मैं आपका ये ट्रांसलेट कर देता हूँ और अगर आप चाहें तो इंग्लिश में भी आप सीधा कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ओके दिमित्री गोमेनोस्ट्रो पार्टनर। ओके ओके दीमा गोमेनोस्ट्रो पार्टनर बता रहे हैं सर जो अमेरिका में सेक करके जो आपके उधर कंट्रोल करती है जैसे इंडिया में आरबीआई है और इधर में भी कॉन्सेप्ट करके है वो क्या चाहते हैं कि ये जो अमेरिका से जो पैसा है वो बाहर ना जाए और इसीलिए थोड़ा हम अमेरिका के लिए अभी तैयार नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उधर का जो अमेरिका से जो भी फंड है वो बाहर की कंट्रियों में जाए तो इसीलिए हमें ये दिक्कत आ रही है। दा? We can see the future right now that they are trying to remove this dollar. They are bringing digital dollars. So maybe in a couple months or maybe in by the end of this year, we will have the time. Like there will be no, I mean, banking or anything. And this all going to be decentralized pretty soon here in America. So that's going to be a pretty good thing for all the companies. I mean, just not only for Solar Group, but for around the globe, for everyone, each and every person. But the thing is, like, I have some friends here that, I mean,
I saw them, the project of our solar group company and motors and all this stuff. And they were like, oh, this is the future. This is the future that we needed. We need this. So they're kind of excited. And I will try to convince them to go through the Bitcoin and what you got, Litecoin and those stuff. That's how I've been doing the payments all each and every month. So I will try my hard to get them on the board. And thanks for your time. Thank you for participation a lot. Партнер добавляет, что да, он будет все-таки. Он спасибо вас за наш ответ и будет все-таки. Аपका शुभ नाम? मैं थोड़ा भूल गया. Dios. Okay. One second. मेरा नाम चंद्र भानु प्रताप हुआ. जी. Okay. Mr. चंद्र भानु प्रताप. चंद्र भानु प्रताप जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद जो आपने ये बात को आगे लाया. कोशिश करेंगे ये भी किसी ढंग से जो मसला है उसको हल करवाया जाए. धन्यवाद. ओ जून तो रिंग्रसियांदो करके बिल्कुल मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं. ओके. राजेश आउना दमांदा. जैसे अभी बहुत सारे लोगों का ये शिकायत है जो इंस्टॉलमेंट लोगों का कैंसिल हो जाता है, ठीक है. तो इंस्टॉलमेंट कैंसिल होने के बाद कंपनी से अगर वो रिक्वेस्ट करता है जो मेरा इंस्टॉलमेंट को रिकवर किया जाए, तो कंपनी जो भी इसका कंपनी का जो रूल है, जो भाई आप अपना आईडी को टॉप अप कर लो आपका वो ओपन हो जाएगा. तो वहां पे लोगों का ये कहना है जो मेरा इंस्टॉलमेंट मैंने पैसा उसमें टॉप अप करूं तो ओपन कर दिया जाए, लेकिन वो मेरे मन पे, मतलब हम उसमें 4 इंस्टॉलमेंट डाले या 5 इंस्टॉलमेंट डाले या 6 इंस्टॉलमेंट डाले, वो मेरे मर्जी पे, मतलब वो हमको अधिकार होना चाहिए जो हम उसको पे करें, ठीक है. तो ये चीज हद तक सही भी है लोगों के लिए, जो भाई अगर इंस्टॉलमेंट उसका कंपनी खोल ही रही है तो उसको हक दे दिया जाए, जो भाई तुम 2 चाहो तो 2 पे करो, 4 चाहो तो 4 पे करो या 10 चाहो तो 10 पे करो. लेकिन यहाँ पे वो नहीं कर पाता है जब उसका ओपन होता है. ओके राजेश जी, अगर मेरे लिए खोलता है पैकेज, यानी कि वो 3-4 इकट्ठी नहीं कर पाता, पर अगर 1 या 2 ऐसे करके भी ऑप्शन होने चाहिए दोबारा चलाने की, ये कह रहे हैं वो बंदा खुद कर सके अपने से पे कर सके, यानी कि 3-4 इकट्ठी नहीं होने चाहिए. बिल्कुल, जितना जैसे नहीं, जैसे इनका ये भी कहना, अगर ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, जो भाई हम अगर आपका 4 कैंसिल है तो 4 ही आपको भरना पड़ेगा, उसके लिए भी हम एग्री करते हैं, लेकिन वो अलाउ कर दे जो वो बंदा खुद से भर पाए. ओके ओके. वैसे ऐसा रहता है तकरीबन, अभी मैं ये क्लियर करवा लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने सवाल आपका नोट कर लिया पावल जी ने. माइक्रोफोन. बिल्कुल बिल्कुल. एक चीज भूल गए थे इसमें इंक्लूड करना, जैसे मेरा 2 इंस्टॉलमेंट चल रहा है, अगर हम दोनों कैंसिल हो जाता है बाय द वे, अगर हम कंपनी को रिक्वेस्ट करते हैं भैया मेरा इंस्टॉलमेंट कैंसिल हो गया है, आप जी मेरा इंस्टॉलमेंट ओपन कर दीजिए, तो कंपनी ये एक ऑप्शन दे हमको, जो राजेश तुम हमारा ये एक जो इंस्टॉलमेंट है वो रिकवर नहीं हो सकता, दूसरा इंस्टॉलमेंट हम रिकवर कर सकते हैं. अगर दोनों इंस्टॉलमेंट रिकवर करने योग्य होगा, मतलब अगर कंपनी कर सकती है तो दोनों को अनलॉक कर दे, अगर वो बंदा चाहे तो 2 भर दे, दोनों को चलाए या 1 चलाए 1 बंद कर दे, एक निश्चित समय के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, जो उसको लगे उस हिसाब से. इससे होगा क्या, जो हमारे पार्टनर का जो भी चीज छूट गया होगा वो, मतलब फिर से वो रिकवर कर पाए. यानी कि 2 इंस्टॉलमेंट, मतलब 2 पैकेज खुले हुए हैं, ये बोल रहे हैं. हाँ, जैसे मेरा 2 पैकेज चल रहा है, मेरा दोनों कैंसिल हो गया, मैं कंपनी के रिक्वेस्ट किया जो भाई मेरा इंस्टॉलमेंट कैंसिल हो गया है, तो कंपनी दोनों इंस्टॉलमेंट खोल दे एक निश्चित समय के लिए, 2 दिन 4 दिन या 5 दिन के लिए. उसके बाद अगर हम 2 दिन 4 दिन में हम 1 भरे जो चलाएं उसको चलने दे, दूसरा को क्लोज कर दे, या दोनों को हम भर रहे हैं तो दोनों मेरा चलेगा. इससे कंपनी, मतलब लोगों को परेशानी कम होगी, सपोर्ट को भी परेशानी कम होगी और हमारा काम सही से चल पाएगा. ओके. राजेश तदिचेंदो. ओके. जैसे पावल जी ने अभी ऑफिस में ही हैं, उनको जाना है क्योंकि कुछ लिमिट होगी वहां पर भी कोई टाइमिंग की, तो हम पावल जी को वो हमसे अनुमति चाहते हैं कि अगर वो अगर अभी इस बात को जहां
खत्म करते हैं इस मीटिंग को, बहुत अच्छा लगा। सभी की तरफ से मैं आपकी तरफ से धन्यवाद पावेल जी का करता हूँ। ओके दो ग्रासिया पावेल अदितुति नोस्त्री पार्टनर, धन्यवाद आपका जो आपने इतना अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपका जो हम पर इतना विश्वास बना हुआ है और जितनी आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया और अन्य बाहर की पूरी कंट्रियों से, धन्यवाद। ग्रासिया मिले।